नमस्कार दोस्तों, फाइनली कल पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए पार्ट टू का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, आज की इस वीडियो में जानेंगे उन छात्र छात्राओं को अब क्या करना होगा, कैसे आप अपना रिजल्ट को सही करवाएंगे, कैसे आप अपना रिजल्ट देखेंगे। जिनको नहीं आता है, पेंडिंग है, फेल है, प्रमोटेड है या पास है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ सबसे पहले रिजल्ट को देखने के लिए गूगल पे आए, टाइप करें पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए पार्ट टू रिजल्ट 2022 स्टडी एग्जाम 399। जैसे सर्च करते हैं सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए पार्ट टू रिजल्ट डिक्लेयर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। बीए आर्ट्स का रिजल्ट ऐसे आपको चेक करना, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कॉलेज वाइज रिजल्ट देखने को मिलता है। आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर लिस्ट में देख लीजिएगा, एफिलिएटेड है या कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज है, जो भी है। आप जीएस कॉलेज का चेक करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपके सामने डीएस कॉलेज वाला रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। पूर्णिया महिला महाविद्यालय का खोलना चाहते हैं या पिपुल अररिया कॉलेज का खोलना चाहते हैं, केवी झा कॉलेज का खोलना चाहते हैं या बीडी कॉलेज का खोलना चाहते हैं, किसी कॉलेज का रिजल्ट देखना है कॉलेज वाइज देखिए। नीचे आर्ट्स का यहाँ पर रिजल्ट ऑल कॉलेज का डाउनलोड यहाँ से कर पाइएगा। इस तरह से डाउनलोड होगा आपके सामने पीडीएफ। अगर आपका रिजल्ट जो है इस टाइप से पेंडिंग लिखा हुआ रहा, पेंडिंग वाले कॉलम में है, तो आपको जो है यहाँ पर एक न्यूज निकल के सामने निकल के आ रही है, देख सकते हैं, गैर मान्यता प्राप्त सब्सिडरी के 1378 छात्रों को जो है रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। 21 को विशेष परीक्षा, जी हाँ पंडित, यानी कि 21 सितंबर को जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा। जिन छात्र छात्राओं का पेंडिंग हो गया, अब आपको कैसे सही कराना है इसके बारे में भी आपको समझना होगा। कौन कौन से कॉलेज में जो है किस सब्जेक्ट से पेंडिंग हो गया उसके लिए जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन होइएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस टाइप से पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया करके 1018 नंबर्स है, यहाँ पर आपको ये वाला मैसेज देखने को मिलता है जिसमें बताया गया है पूर्णिया कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट को जो है पेंडिंग किया गया है, डीएस कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट को किया गया है, महिला कॉलेज कटिहार में, नेहरू कॉलेज बहादुरगंज में किस सब्जेक्ट को किया है, पूर्णिया महिला कॉलेज में, जी एलएम कॉलेज मनवंकी में, आरडीएस कॉलेज फारबिसगंज कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पर पेंडिंग किया गया, डिटेल्स में यहाँ पर बता दिया गया। और भी कॉलेजों का अपडेट किया जा रहा है, आपको आना है फिर से हमारे वेबसाइट पर, यहाँ पर भी पूरा डिटेल्स में बताया गया है। अब देखिए जिन छात्र छात्राओं का जो है पेंडिंग हो गया, आपको जो है अपना कॉलेज विजिट करना है, अपना सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि आपके कॉलेज में जैसे मान के चलते हैं आपका कॉलेज का नाम ए है, तो ए कॉलेज में जो है सब्सिडरी साइकोलॉजी नहीं है या ऑनर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर जो भी सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त है आपका कॉलेज, उस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना होगा, फिर से तुरंत आपका हो जाएगा, क्योंकि 21 सितंबर को जो है आप लोगों का परीक्षा भी है, तो इसी वजह से तुरंत कर दिया जाएगा। तो अपने कॉलेज जाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेंडिंग वाले स्टूडेंट का सुधार किया जा रहा है, तो आप लोग इस पेपर कटिंग को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। आइए हम थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। अब ऐसे छात्र छात्राओं को 21 को जो है विशेष परीक्षा होगी, इसमें इससे पहले जो है आप अपने कॉलेज और परीक्षा विभाग से मार्गदर्शन में विषय परिवर्तन करना होगा। सेशन 19 से 22 इन छात्र छात्राओं में पूर्णिया कॉलेज आता है, जिससे 10 ऑनर्स विषय में 931 छात्राओं को जिसमें शामिल है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 40 हो गया, अंग्रेजी के 44, हिंदी के 71, इतिहास के 376। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया गया, आप इस पेपर कटिंग को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जिसका पेपर कटिंग को जो है हम टेलीग्राम पर अपने भेज दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं पेंडिंग वाले स्टूडेंट को डिटेल्स में समझ में आ गया। आपको क्या करना, साफ साफ एक बार फिर से बताते हैं, अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज में जो है जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, मान्यता प्राप्त है आपके कॉलेज का, उसी सब्जेक्ट से एडमिशन हो जाएगा, फिर से आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और 21 तारीख को आपका परीक्षा फिर से लिया जाएगा, फिर से आपका पार्ट टू का रिजल्ट आएगा। तो वीडियो को यहीं पर इन करते हैं, वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया, ज्वाइन करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।